हेलो फ्रेंड, अर्चना कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे खिसका का सब्जी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है, साथ में हेल्दी भी, और इसको कहीं कहीं ककोड़ा भी बोला जाता है, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है और साथ में हेल्दी भी। वीडियो में एंड तक बने रहिए, न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। और ककोड़ों को मैं अच्छी तरह से धो लिए हैं 2-4 बार पानी से। अब इसको हम बारीकी कट कर देंगे नाइफ से। इसको हम इसी तरह काटेंगे। तो इसी तरह हम सारे सब्जी को काट लेंगे। तो इसको हम काट लिए हैं किसका को। तो यहाँ पर हम प्याज को छील लिए हैं और इसको भी हम काटेंगे बारीकी। तो इसको हम इसी तरह काटेंगे ताकि ये भूनने के समय जले ना। तो प्याज को भी हम काट लिए हैं। और खिसका की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हम गैस ऑन कर देंगे और रखेंगे हम कढ़ाई। और इसमें हम सरसों का आयल डालेंगे। आयल गरम हो गया तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 स्पून जीरा और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप मिर्च को अपने हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा। तो प्याज को डाल देंगे। अब इसको हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। जब प्याज अच्छी तरह से भून जाएगा तो हम इसमें डालेंगे खिसका। और ये अच्छी तरह से भून गया है तो कटा हुआ खिसका को डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम चलाएंगे। और गैस का आँच यहाँ मैं स्लो रखूँगी ताकि ये जले ना। और इसको हम चलाते जाएंगे ताकि नीचे पकड़े ना और जले ना। खिसका पकने में थोड़ा समय लगता है। तो इसको अब ढक दूंगी। अब इसको हम फिर से चला लेंगे। इसको हम ऐसे चलाएंगे, बराबर चलाते रहेंगे। ये मौसमी सब्जी है, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसको हम फिर से ढक देंगे 10 मिनट के लिए। गैस का आंच मैं यहाँ पे बिल्कुल स्लो रखी हूँ। अब प्लेट को मैं हटा दूँगी और इसको अच्छी तरह से फिर से चला लेंगे। और सब्जी लगभग पक ही गया है तो अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको मैं अच्छी तरह से मिला लेंगे और सब्जी के मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लेंगे यहाँ पे। इसको हम चलाते जाएंगे ताकि मसाला जले ना। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और इसको भी अच्छी तरह चलाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ में हेल्दी भी है। तो ये सब्जी
बन गया है। तो यहाँ पे हम गैस को ऑफ़ कर दूंगी और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो खिसका का सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है। आप इसको रोटी या तो फिर पराठा के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और साथ में हेल्दी भी। ये सब्ज़ी मौसमी है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।